जाने लगे हैं मंदिर में झोई भात खाने, और झोई भात खाने वालों की लाइन बहुत लोग हैं। हम तो जज सभी को प्यार और सलाम। कैसे हैं आप लोग? तो 11 बजे से ही कल हमारे वहाँ भंडारा था, बहुत अच्छे तरह से हमारे वहाँ का भंडारा संपन्न हो चुका है। तो आज हमारे वहाँ का नियम होता है, सभी जगह होता होगा शायद, कमेंट करके बताना। तो आज हमारे वहाँ झोली भात बन रही है, कुछ चले गए हैं, शायद आज कम ही लोग आएंगे। तो भाई ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल मंदिर में आने के लिए, बहुत ही व्याकुल अभी तुम्हें ले चलेंगे। तो यहाँ पे हो रही है इनकी, ये नारियल तोड़ रहे दसम दिवस है, दसम दिवस जिसमें हम कीर्तन और कीर्तन मंडली से और महिला शक्ति को अपना विश्राम देंगे आज यहाँ पे कीर्तन मंडली गाते हुए। और हर हर महादेव, सभी लोगों को दशी की नवरात्रि की बधाई। आप लोगों से निवेदन है कि महिलाएं प्रसादी ब्याज भी ले, नए ब्याज जी पधार चुके हैं अपनी ब्याज गद्दी में। महिलाओं से निवेदन है ब्याज पीछे ही प्रसादी ले, कृपया वॉलंटियर से निवेदन है जरा रास्ता दे दीजिए इनको। प्रसादी के रूप में आपको नारियल मिलेगा। देमा हमारी कथा दर्शन होगी यहाँ पर, हम पधार चुके हैं, यहीं से देखते हैं झोली भात बनाने वाले को दिखाते हैं, बन रहा अभी नहीं तो मिलते हैं और चलते हैं भंडार कक्ष में, ले चलते हैं आपको। यहाँ पे बन गया है इनका चावल, मस्त चूल्हे वाले में। तो ये लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं, झोली खीर बन रही है, टपकी और झोली। तो यहाँ पे प्रसादी के रूप में इनके कट लगे हैं सेब। आज दशी के दिन इनका होता है हरेला राजेंद्र सिंह का, और इन्होंने अपने बेटे का बर्पण भी किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। बहुत मस्त वाला जमा हुआ है, ये राजेंद्र सिंह है, ये राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे सासू जी मेरे को वीडियो बनाना रे, खबर भेजने रे था। तो यहाँ पे केला जो ब्याज गद्दी के वहाँ पे लगाया था, गए हो ऐसे आ रहे हो, उसको कहीं दूसरी जगह पे रख रहे हैं, शायद लगाएंगे। तो हमारे भक्त लोग पधार चुके हैं मंदिर में, स्वागत है आपका भक्तों का। भाग्य जय हो तुम्हारी, जय हो भगवान, मिल गए हमको। क्या कृपा जी हो जो गीत है वो। तो यहाँ पे टीका आ गया हमारे लिए, हम लगा रहे हैं अभी टीका, पहले लगाएंगे सासू जी। एक बच्चे ये भक्त भगत जय हो भगवान, जय हो देवी मैया, रोज बुलाते रहे, रोज बुलाते रहे। खीर बने साग बने लगड़ बने मिल गया है चावल। तो दोस्तों यहाँ पे गिलास आ गई है, थर्माकोल वाली नई गिलास है, प्लास्टिक तो बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आई है नई गिलास है। ओ बिकी, तो दोस्तों यहाँ परोस दिया है झोली भात। तो दोस्तों भोजन वोजन हमारा हो गया है, झोली भात हमने खा ली है, बच्चों ने बनाया था बहुत ही स्वादिष्ट वाली झोली भात। और अब है यहाँ बर्तन, तो धोते हैं बर्तन। तो यहाँ पे धो रहे हैं लोग बर्तन,
ये झोली और थोड़ी बची है यहाँ पे खीर और यहीं पे है आलू की टिक्की और इतना सारा बच गया है यहाँ पे चावल। तो दोस्तों मंदिर से हम आ गए हैं, खाना वाना हमारा हो गया है और यहाँ जो बचा हुआ सामान था हो गई है जजमानों की विदाई। भगवान हमारा नाग सबुद्धि दियो, अगिल करना शिव पीढ़ी हमारे बहुत बढ़िया बस अच्छा अच्छा कार्यक्रम जो करते रहे, अच्छी सोच अच्छे विचार बच्चों को आते रहे वाला। बस हो। तो कल तक ये लोग मंदिर में मस्त थे, बिल्कुल मग्न, और आज आज वृंदावन में दर्शन तो मैं गजब। तो दोस्तों कल तक मंदिर में ही थे, 9 दिन 10 दिन तक ही मंदिर में थे, आज से इनका काम शुरू हो गया है। हमारे वहाँ आज से शुरू लगा है, आज से तो नहीं कल से लगेगा, आज ज्यादा टाइम तो नहीं है, 4 बज गए हैं शाम के, लगने वाले तो ये घास काट रहे हैं। लगने वाले के लिए तो लगा ही है, हमारे लिए नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है ना, हमारे धनियाकोट में नहीं लगा है, और जगह अशोक समाप्ति की ओर भी होगा लेकिन हमारे वहाँ कल से शुरू होगा। अशोक लोगों के लिए अशोक खत्म हो गया है, अभी हमने शुरू नहीं किया है, अब लगेगा, हमारा अशोक कल से शुरू होगा, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। और यहाँ घास काटते हैं हाथ से ही, इन्होंने लगा दिया यहाँ पे गट्टा, मेरा भैंस गया है। कब क्या हुआ है? वो लड़का हुआ है। कब? बकरी भी आई है, लड़की हुई है। बाबरे ननाम का समय हो रहा है, उतना लोग आते रह रहे हैं, अटक गई। तो हमारे वहाँ सुंगर आता है तो सुंगर को डराने के लिए ये पुतला बनाया होता है, सेम टू सेम बिल्कुल दूर से आदमी जैसा दिख रहा है ये पुतला है। तो 4 बज गए हैं, मैं भी जा रही हूँ खेत में, थोड़े मांस देख के आती हूँ पके हैं कि नहीं, तो चलते हैं मांस के खेत में। मांस का ही खेत है लेकिन मांसू के पत्ते बारिश ज़्यादा होने की वजह से पूरे झड़ गए हैं, पहले मांस निकाल लेते हैं, टाइम भी कम है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़े मांस आधा खेत का तो निकाल दिया है और रख दिए हैं इसको, तो उसको अब ले जाती हूँ घर। तो दोस्तों अंधेरा, बादल भी लगे हुए, अंधेरा भी हो गया है और यहाँ पे सुनसान हो रहा है, नीचे लोग हैं उस साइड हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं चलती हूँ घर, अब मिलते हैं सीधे घर जाके। तो दोस्तों मैं खेत से आ गई थी, बहुत अंधेरा हो गया था और आज मंदिर को बहुत मिस कर रहे हैं, सुनसान जैसी लग रही है। जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले खाया था जोही भात मंदिर में, तो इतने साल के बाद आज खाने को मिला जोही भात, बहुत ही अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो उसके बाद थोड़ी देर खेत में गई, ज़्यादा तो हुआ नहीं खेत का काम, अगले आज से ही अशोध लग गया है, बहुत ही काम हो रहा है, मांस निकालने हो रहे, ऊपर से मौसम ख़राब हो जा रहा, रोज़ रोज़ बारिश हो जा रही है, तो दिन में जो भी मांस वांस ला रहे हैं तो उसको ढको छुपो वाले हिसाब हो जा रहा है। तो इसी के साथ वीडियो भी इन करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। काफ़ी अच्छी रोटी बनाई है, थोड़ी कच्ची कच्ची है लेकिन 2-4 दिन ऐसे डेली अभ्यास करते रहेगा तो बहुत शानदार रोटी बनेंगे। शाम की ड्यूटी इन्हीं को दे दी गई है, तो बहुत सारी रोटी बना दी है इसने, अच्छी रोटी बनाई है, पैक कर दी है इसने रोटी ताकि ठंडी ना हो। और ठीक है, साफ गैस भी साफ करने लग गए हैं विजय सिंह, बहुत ही मेहनती हो गए हैं यार, सोच क्या लगा खेत में नहीं आना पड़ रहा है, खेत का भी करेगा कल से, क्यों नहीं करेगा। तो दिन में चावल भी इसीलिए बनाया था, अभी रोटी भी बना दी। तो एक घना तो वैसे घर में चाहिए, दिन का खाना होता है, शाम का खाना, और जो खेत से हम लाते हैं दाल वाल सुखाना डालने उसको, और उसके बाद बारिश हो जा रही है उसको उठाना, बहुत काम हो जा रहे हैं आजकल।